Welcome back to part two to part our watch-along of Zubeda. She's also on YouTube. You saw a very good version because the cut-up version, the vasectomy version. Of this, you can go over to things. You can go to Patreon. You can go over to things. Let's get back into this. Okay. तुम्हें रिजु को हमारे पास छोड़ना होगा. What? ये कैसे हो सकता है? मैं रिजु के बिना कैसे रहूँगी? मैं उसकी माँ हूँ. एक वही तो हमारा नाम लेवा रह जाएगा इस दुनिया में. हम रिजु को नहीं छोड़ सकते. हम Yeah, he's not your child. Good grief. Frickin' Manoj agreed to raise the child Muslim and they still said no. मुझे लगता है अम्मी ने वहां भी डायरी लिखी होगी. वो डायरियां कहां हैं? अरे मैंने डायरी जला दी. सारी की सारी डायरियां जला डाली. सब झूठ. तुमने अम्मी की हर एक चीज संभाल के रखी है. वो डायरियां भी जरूर तुम्हारे पास होंगी. दो मुझे. Trembling a little. ले, ले. She's angry. जाट लेने. I have only one problem with this movie so far. Where's Rekha? She's too happy right now. Something's gonna go wrong. Something tells me Rekha's the other wife and she's not gonna be good. She's gonna be the dark vixen. क्या ये फतेहपुर का राजमहल है या मेरा ख्वाब? मुझे फतेहपुर जाना है. विक्टर कहते हैं okay. कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? आपकी आंखें चीते जैसी तेज आंखें. तुम्हें डर लगता है कि कहीं हम इस मृगनयनी को खाना जाए? ओह गुड लॉर्ड. नहीं नहीं मत करो मत करो. अगर तुमने ये करना बंद नहीं किया तो हमारी इस हिरनी जैसी आंखों वाली दुल्हन को फौरन सुहागरात के बाद काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा. अरे उससे पहले तो सौतन मुझे जहर देकर खत्म कर देगी. कौन? मंदिरा देवी? अरे वो एक शरीफ राजपूत बहू है. Very pretty, gorgeous. Costuming is off the charts for this film. There she is. Peacock. Allah maaf kare, bahut manush lag raha hu, mat karo, rehne do. रहने बहुत बुरे लग रहे. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. मतलब वो तबीयत की कैसी है? कहीं मुझे नर्वस तो नहीं कर देंगी? वो अरे वो बड़ी जल्लाद औरत हैं. तुम जैसी को तो निगल जाए और डकार तक नहीं ले. Doesn't surprise me. तो सर से पांव तक देखेंगी. अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं है. ओह माय गॉड, वो तो हिंदी फिल्मों की सास लगती है. बच्ची नहीं दिखी? वो अभी सो रही है. आपको अपना मेकअप पसंद है? Quite serpentine music. कोई तकलीफ तो? You know who Rekha would make? आप उसमें ज़नानी बातें कीजिए. She'd be great in as the role of, she said, mirror, mirror on the wall. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest one of all? हम आपस में एक दूसरे को कोई भी नाम दें, लेकिन औरों के सामने आप हमेशा हर हाइनेस या रानी साहिबा ही रहेंगी. ये स्लीवलेस ब्लाउज आपको नहीं पहनना चाहिए और पल्ला हमेशा सर पर रखना चाहिए. एंड योर मेकअप माय डियर, इसका भी कुछ करना होगा. ओह माय गॉड, पर विक्टर को यही पसंद है. और उनका नाम हरगिज मत लीजिएगा औरों के सामने. गुड फीलिंग गॉन. या आई डोंट थिंक वी आर इन कैंसस एनीमोर. उदय, क्या आप अपनी भाभी को विश नहीं करेंगे? ओहो क्षमा करें, क्षमा करें छोटे रानी सा हुकुम. दरअसल हुआ ये कि आपके तेज और जलाल के सामने मेरे होश और हवास उड़ गए. आपकी इजाजत हो तो बंदा सवेरे दोपहर शाम इन्हीं के चरणों का दास बना रहे. आज से ही शुरू करते हैं फिर. बस बस बहुत हो गया, अब जाइए यहाँ से. Yeah, pretty much, get out. अच्छा रिजु को देखने को बहुत दिल चाहता है. भगवान ने चाहा तो एक दिन ये भी हो जाएगा. Whoa. Quite a necklace. बहुत ही प्यारा है. हाँ ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंडी का प्रेजेंट है. Oh, that's not okay. दिल अपने पास संभालिए. मुझे कुंदन का हार चाहिए, बिल्कुल ऐसा. Why is she not okay with it? It's just the other person your husband is sleeping with. Think about the problem Solomon must have had. Those eyes, man. आप पे बहुत ज़्यादा. Well, this could be interesting.
आपको मालूम है आज क्या दिन है? Kind of lighting they had to do back in the day to make everything shimmer. Oh. There's a bear and a lion back there. Yeah. We won't talk about that. वो कैसे? मुझे याद करते? नहीं. उनके लिए तो तुम खुदा न करे मर चुकी हो. Oh, great. What a great guy. He's a trophy hunter. ये हमारे हिजाइनेस के छोटे भाई हैं, राजा उदय सिंह जी. ओह, जब ये बार में अकेले बैठे हों तो आप इनके पास जाके मत बैठ जाइएगा, वरना बाद में आप पछताएंगे. यहाँ छोटी रानी की कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती. उनके बारे में आपको किसने बताया? एक टूरिस्ट गाइड कह रहा था कुछ. जी, यहाँ उनका जिक्र भी मत कीजिएगा. माँ ने वहाँ बम्बई में किसी सेठ को फांस रखा था और बेटी ने यहाँ हमारे हिजाइनेस को फंसा लिया. उसी की वजह से राजपूत मर्यादा का मटिया मेट हो गया. ऊंचे खानदान की बात ही कुछ और होती है. क्या आप छोटी रानी के खानदान को जानते थे? जी, अच्छी तरह से जानता था. लेकिन देखिए, आप अपने अखबार में उनका जिक्र भी मत कीजिएगा. राजमाता साहिबा के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, आप उन्हें कह दीजिए मैं आ गया हूँ. वैसे राजमाता किसी से मिलती नहीं है, लेकिन आपको स्पेशल परमिशन दी है. दिस वे. That's the same music they were playing when she first met her. Very snake-like. Yep, very snake-like. What was Bollywood's obsession with making Rekha old? आपकी माँ को गुजरे पूरे 28 साल हो गए. बहुत दिनों बाद उनकी याद आई. उस वक्त हमने उन्हें बहुत कोसा था, क्योंकि हमें यकीन था कि उन्होंने ही हमारा सुहाग लूटा है. उस जख्म को भरने में 25 साल लगे. क्या आप मुझसे जलती हैं? मैं आपकी जगह होती Those तो आपकी आंखें लोट लेती. Yeah, she's. हम आपसे नहीं जलते. आप एक आजाद पंछी हैं. जिसे हर कोई अपने काबू में करना चाहता है. Both stunning. मगर आपको मानना इतना. Different, completely different ways. Oh my God, दीदी, I can't believe it. लाल क्यों? सुहाग का रंग है. आपको अपना सुहाग प्यारा नहीं? Now do the dollar-ray song. I don't think she's supposed to be dancing. She's stabbing you with her eyes right now. Seriously. Oh my goodness. What a goddess. Be mad at me. मैं इन पाबंदियों से तंग आ चुकी हूँ. ये नहीं करना, वो नहीं करना. I'm sick and tired of it all. आज से जो मेरी जी में आएगा मैं वही करूंगी. आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप कर्तव्य का पालन करती रहिए, मैं नहीं कर सकती. मोहब्बत हमसे करते हैं और रातें वहां गुजारते हैं. जी, मैंडी को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना. और क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं? मैंडी बहुत दुखी है. तुम्हें इनसे इस तरह से रूठ के नहीं आ जाना चाहिए था. तुम जाकर मना लो हमारे लिए. जब भी हमें अकेलेपन की जरूरत होगी तो यहां आ जाएंगे, सिर्फ मैं और तुम. And any other time I'm there banging Rekha. Exactly. Just don't think about those times. Kabab. जाकर अपने भाभी का दिल बहलाइए, शायद आपके छिछोरे जोक सुनकर उनका मूड ठीक हो जाए. छोटे रानी सा, ये आंसू जिन्हें दिखाने थे वो जा चुके हैं. अब आप ये बंबा बंद कर सकती हैं. ये गालों पे आंसुओं के निशान अच्छे नहीं लगते. इजाजत हो तो इन्हें अपने ओठों से साफ कर दें. Get away, perv. आप पीकर आए हैं. I'm sorry, मैंडी दीदी. उस दिन गणगौर के वक्त जो हो गया उसे भूल जाइए. I was right, I have pictures of myself all over that. इस खानदान के जो लोग हैं, और कभी शक होता है कि मामला कुछ और है, आप उन्हें गलत समझने का मौका ही ना दीजिए. वो अपने आप पीछे हट जाएंगे. अगर विक्टर को पता चल गया तो He'll kill him. कभी कभी चुप रहना ही सबसे बढ़िया उपाय होता है. Nope, not that stuff. Altoids. Oh yeah. Look at that. अगर कोई मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? गोली से उड़ा दूंगा.
अपने भाई को भी। कौन उदय? तुम इसकी बातों को सीरियसली लेती हो? वो तो ऐसे ही तुम्हारा दिल बहला रहा होगा। तो फिर आप उदय से बात करेंगे? ये तुम्हारा वहम है जुबी, ऐसा कुछ नहीं है। Always. अपने भाई को नहीं जानते। विक्टर ने कोठी मेरे नाम कर दी है, अब ये मेरी छोटी सी जन्नत है। मगर वो हमेशा 1 बजे आते हैं। नहीं आए तो क्या हुआ? हम जो हैं, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। ये बहुत ही बेहुदा मजाक है। हम मजाक कब कर रहे हैं? हमारे दिल में जो आपके लिए है जुबैदा, आप नहीं जानती। It's your freaking brother's wife, bro. अच्छा? You crossed the line, buddy. तुम कुछ नहीं, उसके लिए तरकीब से हासिल की गई एक कीमती वस्तु हो बस। मोहब्बत तो तुमसे हम करते हैं जुबैदा। Right. जो खुशी तुम्हें उदय चंद्र सिंह दे सकता है, दुनिया में कोई विक्टर नहीं दे सकता। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दादा। ओ विक्टर, मुझे तो लगा था आज आप नहीं आएंगे। और ये जायदाद हमारे पुरखों की है, इसे बिना किसी राय मशवरे आप ऐरों गैरों को दान नहीं कर सकते। उदय, ये बातें फिर कभी हो सकती हैं? वरना आपको भी मालूम पड़ जाता कि माता प्रसाद किसान सभा के साथ गठबंधन जोड़ने में लगा हुआ है। बकवास बंद कीजिए, हम अभी अभी बात करके आ रहे हैं उनसे। तुम्हारा काम है सदा हसीन बने रहना और हमारा दिल बहलाना। इस रोल पर आया कि आपके लिए मेरी इतनी ही हैसियत है। मजर के फौरन बाद जब आपकी रियासत इंडियन यूनियन में शामिल हुई, तो राजा विजेंद्र सिंह जी को कैसा लगा? मर्जर, इस मर्जर का तो आप नाम ही मत लीजिए। हमारे हिज हाइनेस की गद्दी छिन गई और उनमें और एक मामूली किसान में कोई फर्क ही नहीं रहा। हमारे महाराज को यूनियन सरकार के खिलाफ साजिश में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। जंगल के बीचों बीच शिकार और मजरे का आयोजन किया गया और उसकी आड़ में सभी राजा महाराजाओं ने मिलकर के पूरी प्लानिंग की। देखो, क्या आप राजपूतों की मान मर्यादा बचाने में हमारी मदद करेंगे? गुस्ताखी माफ करें महाराज, मगर हमें आपसे इत्तफाक नहीं है। क्या हम भारत सरकार को अपने रहे सहे अधिकार भी रौंदने देंगे और अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? कायर बनकर चुप बैठे रहेंगे? नहीं, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो आप लोग सोच रहे हैं उसमें गद्दारी की बू है। अगर इस मुल्क की भलाई चाहते हैं, तुम्हारे पास एक ही उपाय है, हम अपनी अलग पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़ें। क्षमा करें महाराज, मगर ये उपाय नहीं, ये तो कायरता है। हमारी प्रजा दिल्ली के टोपी वालों का नहीं दादा, हमारा राज चाहती है। तो फिर चुनाव में वो जरूर हमें ही वोट देगी, और भगवान न करे अगर हार गए तो? मैं अब आने कहीं, छीन लो मेरा प्रिवी पर्स, जब्त कर लो मेरी संपत्ति। मेरी संपत्ति तो मेरी प्रजा है, उनके दिलों में मेरा प्यार है। इस कमबख्त इलेक्शन ने सब कुछ चौपट कर दिया। मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ, यहाँ अब मेरा कोई नहीं। विक्टर ने सच कहा है कि मेरा काम था बस उनका दिल बहलाना। जब किसी का सहारा चाहिए तो वो मैंडी को ही खोजते हैं। रिजू का बर्थडे कार्ड भिजवा दिया? Is that challah bread? Looks like it. काश मैं खुद जाके दे सकती, उसे मिलने को बहुत दिल चाहता है। He's Jewish. 2 साल हो गए उसे देखे। चुनाव के सिलसिले में हम और मैंडी महीने भर के लिए बाहर रहेंगे। तुम साथ में आए तो हो सकता है कि वोट घट जाए। अच्छा, तो अब मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ। मुझे कबूलने से शर्म आती है आपको। कहीं लोगों को ये नहीं पता चल जाए कि आपकी छोटी रानी एक मुसलमान खानदान से है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बात दरअसल ये है। समझाने से क्या होगा जब मैं असली बात नहीं जानती? अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, उब चुके हो उस खिलौने से। आप क्या क्या कर रहे हैं इसमें? चौंकने की क्या बात है जुबैदा, मैं ही तो हूँ। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ इसका पता तुम्हें अब चलेगा। चली जाइए यहाँ से। Just leave me. Leave me, राजा। That's more arousing than a woman saying no, right? Just get out of here. बधाई हो महाराज, बधाई हो, विजयी होने की बधाई हो दादा, खुश रहिए। माता प्रसाद जी ने आखिरी समय तक लटकाए रखा, वरना सारी सीटों पर अपने लोग खड़े कर देते और सरकार हमारी होती। माता प्रसाद जी को मजबूरन हमारे साथ गठबंधन करना ही होगा। मैं आपके साथ दिल्ली आ रही हूँ। जुबैदा, हम दिन रात वहां मीटिंगों में फंसे रहेंगे, तुम वहां क्या करोगे?
जुबैदा, जुबैदा, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। जुबैदा, इस प्लेन में सिर्फ दो जने बैठ सकते हैं। मैंडी हमारे साथ आ रही है, तुम हमारी मुश्किलें क्यों बढ़ा रही हो? कुछ भी कहिए, मैं तो चलूंगी। चलिए, लेट्स गो। Another reason why you shouldn't have more than one spouse. Who gets to go to the meetings? Exactly. Young man. Ooh. And there in part two, reacts to Zubeda. If you saw us on YouTube, you saw a very good version because they got very good full and conversion of other things. You go to Patreon. Go over to Patreon. Just go over there if you want to see everything. On to part three.